पंजाब असेंबली का इजलास परसों होगा। नौ मुंतखब अरकान के 17वें इजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली भी तैयार। हल्फ बर्दारी खत्म होते ही धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे। पीटीआई और इतिहादियों का स्कोर 189 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के तीन हलकों में इलेक्शन मुलतवी, तीन के नतायज रोके गए। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत वालों का रश लग गया। सेशन जज ने जमानतों की दरख्वास्तें जल्द निपटाने के लिए मजीद 10 जजिस की ड्यूटी लगा दी। साफ पानी स्कैंडल मुलजिम राजा कमरुस्सलाम और वसीम अजमल के खिलाफ केस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। नैब की जानिब से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदआ की जाएगी। गुलुकार अली जफर और मीशा शफी के दरमियान कानूनी जंग बाकायदा शुरू। वकालतनामा अदालत में जमा। मीशा शफी के वकील ने अली जफर के दावा का जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का मीशा शफी के वकील को आइंदा समाअत पर जवाब दावा दाखिल करने का हुक्म। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। कल 14 अगस्त कौमी आजादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। शहर का कोना कोना सज गया। हर सू सब्जलारी परचम की बहार। छोटे बड़े बुजुर्ग एक ही दुआ, खुदाया मेरे वतन को सदा सलामत रखना। चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बुध 22 अगस्त को होगी, ऐलान भी हो गया। अब है कुर्बानी का जानवर खरीदने की बारी। बकरा, छतरा, दुम्बा और बैल ऊंट भी हैं बेशुमार। शहर की 7 मवेशी मंडियों में रौनकें लग गई। व्यापारी के मुंह मांगे दाम, शहरी कीमतें सुनकर हैरान। कहीं पानी नहीं तो कहीं बिजली गायब, खेमे भी पूरे नहीं। शहर की मवेशी मंडियों में मसाइल के अंबार। जानवर धूप में खड़े रहते हैं तो व्यापारी भी परेशान। जिले इंतजामिया के नुमाइंदे खेमे देने के लिए भी रकम का करने लगे तकाजा। सहूलियत ना मिलने पर खरीदार भी नाला। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। गर्मी और हब्स भी जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी।